प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस की राष्ट्रपति ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किया सम्मानित। एथेंस में बिजनेस लीडर से की मुलाकात। पीएम ने विभिन्न युद्धों में मारे गए ग्रीस के गुमनाम सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंद्रयान की सफलता पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव पढ़े गए। चरखी दादरी, भिवानी और हिसार के वैज्ञानिकों की भी चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर हुई सफल लैंडिंग में रही महत्वपूर्ण भूमिका। वैज्ञानिकों के परिजनों ने खुशी जताते हुए इस उपलब्धि को बताया ऐतिहासिक। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कैथल के स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग की 11 टीमें बच्चों के स्वास्थ्य की कर रही हैं जांच। गंभीर बीमारी की पहचान होने पर निःशुल्क होगा इलाज। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के दौरे पर हैं। एथेंस में ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोताकिस ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। गौरतलब है कि 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा है। भारत और ग्रीस के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं जो हाल के वर्षों में समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार, निवेश और लोगों से लोगों के संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से सुदृढ़ हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एथेंस में ग्रीस की राष्ट्रपति केतेरिना सेक्ला रोपोलू से भी मुलाकात की है। ग्रीस की राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी और ग्रीस की राष्ट्रपति ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ भारत और भारतीय वैज्ञानिकों की ही नहीं बल्कि मानवता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है, फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ग्रीस की राष्ट्रपति ने चंद्रयान 3 से जो जानकारियां मिलेंगी वो मानवता के लिए कितनी लाभदायक होंगी इस पर बातचीत की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एथेंस में गुमनाम सैनिकों की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। ग्रीस विभिन्न युद्धों में मारे गए सैनिकों की याद में समाधि का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इससे पहले ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरे के दौरान जोहानसबर्ग में शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की। उनमें डॉक्टर हिमला सौदाई भी शामिल रही। उन्होंने जेनेरिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। हिमला के पूर्वज भारत से ही दक्षिण अफ्रीका गए थे। वो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के साथ ही महिलाओं के मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं। Prime Minister, he asked me a little bit about where I went to school because I was at Gandhi Desai High, and he talked a little bit about the genetic work that I have been doing in South Africa and some of the linkages with issues with India. In addition to that, we talked about the G20 and the Science 20 meetings, both of which I have attended in India, and I must say that the G20 meeting was just phenomenal. He's very much in touch with the ongoings of not just global issues, but also issues pertaining to regional sorts of initiatives, as well as trying to promote an active engagement between our two countries. And I think that shows strong leadership going forward in terms of harnessing the strengths
where they lie. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के रॉकेट वैज्ञानिक व इंजीनियर सिया बुलेला जुडा से भी मुलाकात की। सिया बुलेला जुडा अफ्रीका में आर्थिक और सामाजिक की कई चुनौतियों को लेकर फिलहाल काम कर रहे हैं। आंतरिक क्षेत्र में भारत की प्रगति के भी वो बड़े प्रशंसक हैं। पीएम मोदी से मिलकर उन्हें काफी खुशी हुई। सिया बुलेला की कंपनी गैलेक्टिक बीते 2 वर्षों में भारत में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश कर रही है। And truly, I echo your views about that. He is truly a visionary leader. And I think for me, as a young South African, as an innovator from the Global South, to be able to engage such a world leader and see his deep concern for issues that not only affect India, but issues that are also affecting us in Africa, climate change, economic growth, and to be able to see his deep concern and the steps that and the passion and commitment he has to Africa has truly been humbling. ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय मुलाकात की। सम्मेलन से अलग उन्होंने सेनेगल के राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथोपिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। ध्यान रहे कि इथोपिया ब्रिक्स का हिस्सा बनने वाले नए सदस्यों में भी शामिल है। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने ब्रिक्स समूह में शामिल होने पर ईरान को बधाई दी। ईरान के राष्ट्रपति ने भारत के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, संपर्क व आतंकवाद से निपटने के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। जोहान्सबर्ग में 15वें शिखर सम्मेलन के दौरान साइड इवेंट मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की। दोनों ही नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने भारत की चिंताओं के बारे में स्पष्ट रूप से शी जिनपिंग को अवगत करवाया। In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. In all, Prime Minister's visit to Johannesburg. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि संक्षिप्त मुलाकात में दोनों नेता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के टकराव वाली जगहों से अपने सैनिकों को शीघ्र पीछे हटाने पर सहमत हुए। विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 29 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़ते हुए पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। सदन के सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चंद्रयान 3 की सफलता पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए हरियाणा के कई वैज्ञानिकों के योगदान को भी सराहा। सफल लैंडिंग से भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस महान उपलब्धि पर देश भर में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। साथ ही ये सदन भी गर्व और गौरव का अनुभव कर रहा है। हम सब अपने सभी वैज्ञानिकों और विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को हार्दिक बधाई देते हैं। हमारे महान वैज्ञानिकों के कौशल, साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर ही भारत आकाश से भी ऊंची इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सफल हुआ है।
ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत का ज्ञान विज्ञान फिर से दुनिया पर अपना परचम फहरा रहा है। आज प्राचीन काल के हमारे वैज्ञानिकों बोधायन, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कणाद, चरक आदि की आत्माएं प्रफुल्लित हो रही होंगी। प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि होडल में 4 ROB बनाए जाएंगे। रेलवे से मंजूरी मिलते ही आगामी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। भव्य बिश्नोई के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आदमपुर में सड़कों का कार्य जल्द शुरू होगा। सदन में कांग्रेस के 3 विधायकों ने मोशन दिए थे जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिए। जजपा विधायक नैना चौटाला ने एक सवाल के जवाब में बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइंस के चलते सिर्फ सोलर कनेक्शन ही दिए जा सकते हैं, बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा सकते। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने अपना काम बखूबी शुरू कर दिया है। इसरो ने आज एक नया वीडियो जारी किया जिसमें बताया गया कि लैंडर से प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह तक कैसे पहुंचा। बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सेंटर में लैंडर मॉड्यूल के पेलोड इल्सा, रंभा और चेस्टे को चालू कर दिया है। चंद्रयान 3 के प्रोपेशनल मॉड्यूल के शेप पेलोड को कल चालू कर दिया गया था। चरखी दादरी के गांव कलियाणा निवासी कविता ने इसरो के चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर हुई लैंडिंग में अहम भूमिका निभाई। वैज्ञानिक कविता ने परिजनों ने मिठाई बांधकर खुशियां मनाई और देश के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में शामिल बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना की। ट्रक ड्राइवर नरेश कुमार की बेटी कविता 2017 में इसरो में भर्ती हुई थी। कविता 2019 में चंद्रयान 2 अभियान की भी हिस्सा रही और असफलता के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। नरेश कुमार की 4 बेटियां और 1 बेटा है। चारों बेटियां और बेटे को अफसर बनाने के लिए उन्होंने ट्रक चलाकर दिन रात मेहनत की है। चंद्रयान 2 में भी थी टीम में शामिल और 3 में भी शामिल थी जी, और 2 में वो जो गलती की होगी थी उनसे वो गलती अब नहीं करी, बिल्कुल फूक फूक के इन अच्छे कदम रखे हैं। और बहुत खुशी से मेरी बेटी की बात भी अब भी हुई है, कल भी होती रही थी बात, और खूब बात होती रहती है जी। और बहुत अच्छा ही काम किया गांव के लिए, हमारा बाप का भी हमारा भी नाम अच्छा रोशन किया, ऐसा ही नाम रोशन ऐसा ही उतर है करते ही रहेगी जी। खूब बड़ी मेहनत से अपने ड्राइवरी का ट्रक चला के अपनी मेहनत से अपने बच्चे सब सब करें जी। चंद्रयान 3 में बहन ने बताया कि उन्होंने प्रोजेक्ट हेड के अंडर में काम किया जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनका। और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से काम करने के बाद अपने देश को ये जीत प्राप्त कराई। उसके इसके लिए हमें अपने देश पर गर्व है, बहन पर गर्व है। वहीं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में विक्रम लैंडर की कंट्रोल यूनिट संभालने में भिवानी जिला के गांव बड़सी जाटान के वैज्ञानिक देवेश ओला ने भी अहम रोल अदा किया। देवेश के पिता सज्जन कुमार सेना में कार्यरत हैं और फिलहाल उनका परिवार हैदराबाद में रहता है। चचेरे भाई प्रदीप ओला ने बताया कि देवेश की उपलब्धि पर गाँव में जश्न का माहौल है। हमारे गाँव का, जिले का, पूरे हरियाणा प्रदेश का और देश में नाम रोशन किया है। हम भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और ये कामना भी करते हैं कि ये और भी ऊंचाइयों पे जाए और इसी प्रकार ईमानदारी से इसरो में अपना नाम कमाता रहे ताकि हम परिवारजनों को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिले। पूरे परिवारजनों ने मिलके पूरे गाँव में मिठाइयाँ बांटी, ढोल नगाड़ों के साथ पूरा नृत्य किया। महिलाएँ भी बहुत खुश मिजाज नजर आ रही थी क्योंकि सबको यह खुशी थी कि हमारे लाडले ने चंद्रमा पे झंडे गाड़े हैं। वहीं हिसार निवासी यज्ञ मलिक भी चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की कंट्रोल यूनिट में शामिल थे। यज्ञ मलिक के माता पिता ने बताया कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पूरे देश के लिए गौरव का क्षण था। उन्होंने कहा कि उनका बेटा भी इस अभियान का हिस्सा है, इसलिए हमें और ज्यादा खुशी है। अभियान सफल होने के बाद यज्ञ ने अपने माता पिता से बात करते हुए कहा कि हम सब वैज्ञानिकों ने देश के लिए गौरव प्राप्त किया है। यज्ञ के परिजनों ने चंद्रयान 3 अभियान की सफलता पर पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि यज्ञ ने एमटेक करने के बाद जर्मनी से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। जैसे कि हम तो यहीं से देख रहे थे सब अपना टीवी पे प्रोग्राम, सभी भारत के वैज्ञानिक खुश हो रहे थे, उसमें उसका भी योगदान है, तो इसलिए हम भी खुश थे, वो भी लोग बहुत खुश थे।
तो भारत ने इतिहास रचा है, हमारे देश का गौरव है, हमें भी खुशी है इस बात की और हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं, वो भी एक हिस्सा है उस अभियान का, तो बहुत ज़्यादा खुशी है हमें सबको। एक बार बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि हम सब ने गौरव प्राप्त किया है भारत देश के लिए, तो हम सब का योगदान है, हम सब लोग बहुत खुश हैं, जितनी भी वैज्ञानिक कम्युनिटी है हमारी जिन्होंने इसमें भाग लिया। तो ये सीक्रेट मिशन था जो बेटे ने सीक्रेट रखा, तो बाद में बताया कि कैसे मैंने दिन रात मैंने भारत के लिए जो कार्य किया है, मैंने बहुत अच्छी उपलब्धि की है बेटे ने। हम बड़े अपना प्राउड फील कर रहे हैं सारे के सारे, पूरा मोहल्ले को भी बड़ी गर्व है कि हमारा पटेल नगर का बच्चा इस बुलंदियों तक उस यज्ञ के अंदर चंद्रमा के इस अभियान के अंदर शामिल हुआ है और जो अभी सक्सेस हुआ है, तो ये एक सारी की सारी टीम वर्क थी जिसके कारण आज ये हमारे को पूरी की पूरी सफलता मिली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत शुरू किया गया राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्कूली बच्चों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। कैथल स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर विकास धवन ने बताया कि विभाग की ओर से कार्यक्रम को लेकर 11 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच कर रही है। इन सभी टीमों की लोकेशन हर समय उनके पास रहती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे को कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसका पूरा इलाज मुफ्त में किया जाता है। वहीं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि ने बताया कि 18 साल के बच्चों का हेल्थ चेकअप कर विभाग सारा रिकॉर्ड उनके कंप्यूटर में दर्ज कर रहा है। कई बार बच्चे अपनी बीमारी परिजनों को नहीं बता पाते जिसके कारण बाद में बीमारी गंभीर बन जाती है, इसलिए पहले ही उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। स्कूल्स और आंगनवाड़ी में 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं सबकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब किसी बच्चे को क्या डिजीज है उसके बारे में, जो वो वहाँ पर टैकल कर सकते हैं वो वहाँ पर कर लेते हैं। इसके अलावा कोई पास में सब सेंटर है या पास के अंदर सीएससी है वहाँ पर रेफर कर देते हैं। और जो मेजर बीमारियाँ हैं जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम है, स्क्विंट है, लेफ्ट पैलेट है, लेफ्ट लिप है, उसकी सर्जरीज भी के पैसे भी यहाँ तक कि 3.5-4 लाख रुपए तक भी सरकार मुहैया कराता है। जैसे गर्ल्स का खास तौर पे ये होता है कि इनको पीरियड से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है या इंटरनल ऑर्गन जेनिटल ऑर्गन वगैरह से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, तो कई बार वो अपने परिवार में भी अपने घर वालों से भी नहीं बता पाते, तो यहाँ पे हम उनसे अच्छी तरह पूछते हैं सब कुछ तो वो हमें बता देते हैं, जिससे उनका इलाज आसानी से हो पाता है। वरना उनका घर में ना बताने की वजह से बीमारी ऐसे ही बढ़ती रहेगी और उनको आगे अपनी जिंदगी में दिक्कत होती रहेगी। तो इससे लड़कियों को आगे जाके शादी भी करनी होती है, आगे उनको माँ भी बनना होता है, तो अभी से उनकी जो इस तरह की खून की कमी वगैरह की दिक्कत है या पीरियड्स की दिक्कत है वो सब अभी से डिटेक्ट हो जाती है, जिससे उनका इलाज हो जाता है और उनको बहुत फ़ायदा होता है इससे। अध्यापिका रजनीश शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ये योजना गरीब परिवारों के बच्चों के लिए बेहद लाभकारी है। वहीं छात्राओं ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने उनके स्वास्थ्य की निशुल्क जांच की है और साथ ही हमें बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया है। इस योजना के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। सभी लड़कियों ने इसका लाभ उठाया है, बहुत अच्छा उनका चेकअप हुआ है, यहाँ तक कि उनके आंखों का, बीपी का, हाइट का, वेट का, हर एक चीज़ बहुत बारीकी से उनका निरीक्षण किया गया है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है बच्चों के स्वास्थ्य की ओर और बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचा। सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना चलाई गई, ये बहुत लाभदायक है। यहाँ पर महिला डॉक्टर ने आकर हमारा सिर से लेकर पैर तक का चेकअप किया है। इन्होंने हमें बताया कि अगर हमारे पास हमने कुछ कोई बीमारी है ये हमारा फ्री में इलाज होएगा। ये गरीबों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है। ये सरकार ने ये योजना बनाई गई है। हाइट मापते हैं और हमारा ब्लड टेस्ट होता है, आँख भी चेक होती है, सारा शरीर हमारा चेकअप के लिए आता है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा मुफ्त में इलाज किया जाता है।
केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि दुनिया को भारत से और भारत को युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं। जयपुर में कल युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देशवासियों को बधाई दी। देश की युवा शक्ति पर बल देते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विश्व भर के डिजिटल भुगतान में 46% से अधिक योगदान भारत का है। उन्होंने युवाओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए देश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति जानने के लिए देश भ्रमण का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि आज का नेटवर्क भविष्य की संपदा है। अमृतकाल की शुरुआत में युवाओं को एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही कार्यक्रम के समापन पर उन्होंने कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे युवाओं से 5 प्रण लेने का भी आग्रह किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमें इसको आगे बढ़ाना है और मैं चाहता हूं कि आप यही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी जाने की शुरुआत करें। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें कम संख्या में युवाओं को लेकर जाते हैं, लेकिन मेरा मन है कि शिक्षा विभाग के साथ टाई अप करके हम देश की बड़ी संख्या में युवाओं को एक राज्य से दूसरे राज्य, विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट हो या फिर पर्वतीय राज्य हो जैसे कश्मीर है या हिमाचल या उत्तराखंड के बॉर्डर के इलाके हो या हमारे अन्य बॉर्डर के इलाके, चाहे वो गुजरात हो या राजस्थान का बॉर्डर हो, हमें वहां पर भी देखना चाहिए कि बॉर्डर की चुनौतियां क्या है, वहां पे लोग रुके कैसे हैं, जो सीमाओं पर भी डटे हैं और भारत के झंडे को वहां पर भी ऊंचा ही करके रखते हैं। इफ आई हैव टू से इट इन शॉर्ट, आई विल से वन लाइन, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जो आप आज नेटवर्क बनाओगे वो सारी उम्र के लिए आपकी पूंजी है। समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि 9 साल पहले किसी ने स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज भारत में 1,00,000 स्टार्टअप हो गए हैं और भारत टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में पहुंच गया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी की कल्पना वो थी जो आज से 9 साल पहले कोई सोचता नहीं था। भारत में 500 स्टार्टअप भी नहीं थी 2014 में, आज भारत में 1,00,000 स्टार्टअप हो गई है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। हम कहीं नहीं थे, थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम दुनिया का कोई स्टार्टअप्स में बना तो हमारा भारत बनकर उभरा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से अलग रखता था, लेकिन 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और सदा एक अभिन्न अंग रहेगा। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व कप का खिताब जीत लिया है। संघर्षपूर्ण फाइनल मुकाबले में भारत के प्रज्ञान नंदा विश्व कप जीतने से चूक गए। कार्लसन ने आर प्रज्ञान नंदा को टाई ब्रेकर में शिकस्त दी। तमिलनाडु के आर प्रज्ञान नंदा ने महज 18 साल की उम्र में उप विजेता बनकर इतिहास रच दिया है। उनका कार्लसन के साथ खिताबी मुकाबला बेहद संघर्षपूर्ण रहा। दोनों खिलाड़ियों में कलासिकल के पहले दोनों मैच बराबरी पर समाप्त हुए। टाई ब्रेकर के पहले खेल में कार्लसन ने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा के प्रदर्शन पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि फिडे विश्व कप में प्रज्ञान नंदा के शानदार प्रदर्शन पर हमें गर्व है। उन्होंने फाइनल में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया और विरोधी को कड़ी चुनौती दी। ये कोई छोटी बात नहीं है, आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बधाई देते हुए कहा कि प्रज्ञान नंदा का कौशल विश्व के बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच उभर कर सामने आया है। उन्होंने रोमांचकारी खेल और टाई ब्रेकर में अपने प्रदर्शन से विरोधियों को मात दी। मंत्री ने कहा कि प्रज्ञान नंदा को न केवल भारत का गौरव प्रदान किया है बल्कि दुनिया भर में अरबों लोगों की प्रशंसा भी हासिल की है। पूरा देश उनकी उपलब्धियों से खुश है और भविष्य में उनकी उपलब्धियों का इंतजार कर रहा है।
मीडिया को रक्षा बलों की कार्यप्रणाली और तैयारियों की जानकारी देने के लिए जीरकपुर मिलिट्री स्टेशन में खड़गा सैपर्स की ओर से विशेष विजिट का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया संस्थानों के सदस्यों को सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स व खड़गा सैपर्स की भूमिका और संगठन के बारे में जानकारी दी गई। विजिट के दौरान कर्नल धीरज पोहर ने टीम को सिविल अथॉरिटी और HAD ऑपरेशनों को सहायता प्रदान करने में भारतीय सेना की भूमिका के बारे में जानकारी दी। इसके बाद टीम ने कल्याण केंद्र एक्वम का भी दौरा किया, जहां परिवारों के लिए दंत चिकित्सा देखभाल, मनोवैज्ञानिक परामर्श और कौशल विकास पाठ्यक्रम जैसे कई कल्याणकारी उपाय किए हैं। अब अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आएगी तो महज एक घंटे में वहीं पर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर बनकर तैयार हो जाएगा। देश के चुनिंदा विशेषज्ञों ने एक ऐसा मोबाइल ऑपरेशन थिएटर तैयार किया है जो भूकंप, चक्रवात या फिर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है भीष्म। ये एक चलता फिरता अस्पताल है जिसे दुर्गम स्थानों में से लेकर हर जगह महज एक घंटे में लगाया जा सकता है। इसे हेलीकॉप्टर, साइकिल, पानी के जहाज के साथ इंसान के कंधे पर रखकर भी ले जाया जा सकता है। मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से स्वदेशी है। भीष्म प्रोजेक्ट को गांधीनगर में हुए G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में शोकेस किया गया था। हम सबको इंस्पायर किया है कि हम कुछ ऐसे बनाएं जो पूरे विश्व के हेल्थ के लिए अच्छा होगा, तो इसी सोच के साथ हम लोग एक साल पहले हमने सोचा कि हम सब मिलकर कुछ बनाते हैं, तो एक टीम थी, उसमें हम टास्क फोर्स के हेड थे और हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में जुड़े हुए हैं, तो हमने ये बनाया है। इसमें ये देखिए, ये भीष्म का ऑपरेशन थिएटर है। आप देखिए, इसमें सारे आइटम्स यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड है ऑपरेशन थिएटर के लिए यूज़ हो सकते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ मोबाइल हॉस्पिटल है जो बहुत जल्दी दुर्गम इलाके तक चली जा सकती है। ये किसी भी तरह से ब्रेकअप हो सकती है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इसको एक साथ, ये केज में है, ये हेलीकॉप्टर से जा सकती है, शिप से जा सकती है, बोट से जा सकती है, और ज़रूरत पड़े तो कोई आदमी अपने कंधे में लेकर भी इसको निकल सकता है, साइकिल के करियर में डाल के निकल सकता है। जैसे आप देखते हैं यहाँ 72 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उसको हम क्यूब्स कहते हैं, हर एक का वजन 20 kg से नीचे है, टोटल वेट करीब करीब 2000 kg है, और इसको डिवाइड करके हम कोई भी दुर्गम इलाके में जहाँ लैंडस्लाइड हुआ हो, अर्थक्वेक हुआ हो, या फ्लड हुआ हो, या कोई डिजास्टर हो गया हो, या छोटी सी हमें हॉस्पिटल अगर सेटअप करनी है, छोटी सी प्राइमरी हेल्थ केयर के सेटअप करने हैं, सारे चीज़ों को ये मीट कर सकता है बहुत ही आसानी से। क्योंकि ये हमारा प्रॉब्लम है कि जब हम जल्दी टाइम से नहीं पहुँच पाते तो लाइफ लॉस हो जाता है। इसको जैसे मैंने कहा, किसी भी तरीके से ले जा सकते हैं, लेकिन एक बार जहाँ पे पहुँच गया वहाँ पे हम ये वाला जो OT है जो आपने अभी देखा, इसको हम लोगों को ट्रेन करते हैं ग्रुप ऑफ 6 को, वो 10 मिनट में ये OT सेटअप हो जाएगा और एक घंटे के अंदर पहुँचने के बाद हमारी पूरी फैसिलिटी पेशेंट्स के लिए चालू हो जाती है। ये तो हम छोटी सी छेद करके उसकी खून निकाल सकते हैं, चेस्ट इंजरी, एब्डोमेन इंजरी, इसमें हमारे छोटे छोटे सारे जो औजार हैं वो छोटी छोटी, एम ये है कि जहाँ उनको चोट लगी वहाँ से एक घंटे के अंदर अगर हम उसको बड़े अस्पताल में ना पहुंचा पाए तो मौत हो जाती है। ये एक घंटे के टाइम के अंदर हम इंटरवीन कर सकते हैं। सो फील्ड में एक मोबाइल हॉस्पिटल बहुत जल्दी पहुंच जा रहा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।